गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गोलगप्पा गर्ल। आई एम पूजा और मैं हूँ चेन्नई में। आज का वीडियो ना मुझे थोड़ा चिल आउट रखना था, तो मैंने सोचा व्हाट बेटर प्लेस देन कम टू द सेकंड लॉन्गेस्ट बीच इन द वर्ल्ड। दिस इज मरीना बीच। तो आज के व्लॉग में हम मरीना बीच पे थोड़ा चिल मारने वाले हैं। वी आर गोइंग टू ट्राई सम स्ट्रीट फूड ओवर हियर। मरीना बीच चेन्नई के टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक भी है। सो आई एम रियली हंग्री, लेट्स गो एंड सी हम सबसे पहले क्या खाते हैं। मैं स्टार्ट करने वाली हूँ थोड़े भज्जी के साथ। यहाँ पर देखिए ढेर सारे भज्जी पड़े हैं, और जैसे ही आप मरीना बीच पर आते हो आपको ढेर सारे ऐसे स्टॉल्स मिलेंगे जहाँ पे आप ऐसे फ्राइड फूड्स एंजॉय कर सकते हो। सो लेट्स हैव दिस। सो यहाँ पे ढेर सारे भज्जी पड़े हैं, एक केले का है, एक मिर्ची का है, एक आलू का है, ये ब्रेड है, गोभी के हैं। 30 रुपीज़ में आपको 4 पीसेस मिल जाते हैं। एक ब्रेड का है, एक आलू का, एक बनाना का, एंड वन इज अ मिर्ची वन, और उसके साथ है ये टमेटो चटनी। लेट्स स्टार्ट विद द ब्रेड का। एकदम ऐसा सिंपल है और एकदम गर्मा गर्म और फ्रेश है। थोड़ा आलू का ले लेती हूँ मैं। इट्स सो सिंपल, और ये जो बाहर की लेयर है इट्स नाइसली लिटिल क्रंची फ्राइड, एकदम अच्छे से किया हुआ है। If you come to South, you need to have a banana fritter, जिसे कहते हैं पजम पोरी also. Banana का थोड़ा sweetness है, क्योंकि ये पकोड़ा type है तो थोड़ा savory भी है। Start तो हमने एकदम अच्छा light और simple but fresh के साथ किया। वो जो बैटर था फ्राई करने के लिए वो बेसन का नहीं चना दाल का था, तो इसीलिए अलग सी टेस्ट आ रही थी उसमें। अभी भजिए तो हमने खा लिए, बट हम यहाँ से आगे थोड़ा आराम आराम से जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है अभी। आज की जो नेक्स्ट चीज़ हम खा रहे हैं वो है चाट। तो मैं एक्चुअली कंफ्यूज थी कि मैं पानी पूरी खाऊं या समोसा चाट, बट देन आई सॉ के बहुत सारे लोग ये समोसा चाट खा रहे थे, सो आई थॉट लेट्स जस्ट हैव दिस। सो ये समोसा के ऊपर इन्होंने रगड़ा डाला है और पफ राइस डाली है अलोंग विथ सम चटनी एंड कैबेज। स्वीट है, नमक बहुत कम है, पफ राइस की वजह से बहुत क्रंची फ्लेवर्स आ रहे हैं। ये इनका समोसा एक्चुअली बहुत अलग है। समोसे के अंदर इतनी आलू की फिलिंग नहीं है, थोड़ी दाल भी डाली हुई है। एक चीज़ मैं सिर्फ आपको बोलूँगी कि जब आप यहाँ पर आते हो तो इतना हाइजीन ये सब एक्सपेक्ट मत करना, इतना हाइजीनिक नहीं है। इस मरीना बीच पर हम ज्यादा टाइम नहीं रुके बिकॉज ए वहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड था, बी बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी, और सबसे इम्पोर्टेंट मुझे वहाँ का ना फूड इतना हाइजीनिक नहीं लग रहा था। मतलब द फूड वॉज गुड, मैंने एक दो और चीज़ें ट्राई की, बट ना फूड इतना हाइजीनिक नहीं था। सो आई रियली डोंट वॉन्ट टू रिकमेंड समथिंग विच आई पर्सनली डोंट फाइंड हाइजीनिक। बहुत मक्खियाँ घूम रही थी। द बीच इज नाइस, आई फाउंड इट अ लिटिल ओवर क्राउडेड, बट द बीच लुक्ड रियली गुड। सो इफ यू जस्ट वॉन्ट गो एंड जस्ट सी द बीच देन यू कैन गो। बट अगर आपको खाना है तो मैं आपको थोड़ी ऐसे रेस्टोरेंट्स दिखाती हूँ जो मरीना बीच से 1-1.5 किलोमीटर दूरी पर हैं, और वहाँ पर आप जाके फूड अच्छा ट्राई कर सकते हो। सो फर्स्ट प्लेस दैट आई कम टू इज कैफे रत्ना। दिस प्लेस वॉज सेट अप इन 1948 एंड दे आर वेरी पॉपुलर फॉर द साउथ इंडियन फूड, मेनली बिकॉज ऑफ द सांबार। सो आई एम गोइंग टू ट्राई सम फूड ओवर हियर। दिस इज कैफे रत्ना राइट नेक्स्ट टू मी। मैं डायरेक्टली इनके एसी सेक्शन में आके बैठ गई क्योंकि मुझे इतनी गर्मी हो रही थी। बट देयर इज़ अ नॉर्मल सेक्शन आउटसाइड जो काफ़ी फुल था, एसी सेक्शन रिलेटिवली थोड़ा खाली है। अब मैं इनका मेन्यू देख रही थी, सो दे हैव साउथ इंडियन एंड नॉर्थ इंडियन ऑप्शंस बोथ, बट नॉर्थ इंडियन ऑप्शंस इनके 7 o'clock के बाद चालू होते हैं, 7-7:30 के आसपास, एंड साउथ इंडियन आपको सिर्फ 7 o'clock तक मिलता है। सो आई एम ऑब्वियसली गोइंग टू ट्राई सम साउथ इंडियन फूड। मैं सोच रही हूँ कि मैं मेदू वड़ा ही ट्राई करूँ, विच इज़ अ मेदू वड़ा। इट्स फॉर 48 रुपीज़, और उसके साथ हम कुछ मीठे में भी खाएंगे, बट फर्स्ट लेट्स हैव सम मेदू वड़ाई।
तो मैंने अपने लिए ऑर्डर किया है एक सांभर वड़ाई और रस मलाई एंड लुक एट दिस, ये है सांभर वड़ाई। सांभर में इन्होंने एक वड़ा डाला है, ऊपर से अनियन डाला है, थोड़ा सा टमाटर, मुझे करी लीव्स दिख रहे हैं, यहाँ पे है कोकोनट चटनी जिसकी दिखने से कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी लग रही है, उसमें भी करी लीव्स है, मस्टर्ड सीड्स है, एंड दिस इज सम रस मलाई, ऊपर से आलमंड की शेविंग्स दिख रही हैं मुझे। लेट्स हैव दिस, इसको मैं थोड़ा कट कर लेती हूँ। ओह गॉड, दिस कुछ एफर्ट ही नहीं लगा इसको कट करने में, इतना एफर्टलेसली ये कट हो गया। ये सांभर ले लेती हूँ, दिस प्लेस इज़ नोन फॉर देयर सांभर, सो लेट्स टेक लॉट्स ऑफ सांभर एंड चटनी। द सांभर इज स्पाइसी, ओके, इट्स सो गुड। अनियन ढेर सारा डाला हुआ है तो अनियन का, रॉ अनियन का एक बहुत अच्छा स्वाद आ रहा है, बट इन जनरल भी इसमें बहुत ही अनियनी फ्लेवर है विच इज़ रियली गुड। एक चीज़ जो मैं बोलूँगी क्योंकि बहुत डोमिनेट कर रही है इज गोइंग टू बी मिर्ची, इट्स रियली स्पाइसी, करी लीव्स का एक बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। द मेदू वड़ा इज सो नाइसली फ्राइड, दीज आर लाइक रियली गुड फ्लेवर्स। एक और पेक्यूलर टेस्ट जो मुझे इसमें आ रही है वो है घी की, घी भी डाला हुआ है, कुछ इतना टैंगी और स्वीट नहीं है, जस्ट स्पाइसी एंड गुड फ्लेवर्स। चिल्ड रस मलाई विद आलमंड शेविंग्स, लेट्स हैव दिस। इतना स्ट्रॉन्ग केसर का फ्लेवर है इसमें, आलमंड्स आर सो क्रंची, एब्सोल्युटली लव दिस रस मलाई। आज की जो नेक्स्ट प्लेस में आई हूँ वो है कैफे सीलैंड, आई थिंक ये थोड़ा न्यूली ओपन रेस्टोरेंट है और मैंने सोचा कि चलो ट्राई कर लेते हैं। दिस प्लेस इज राइट नेक्स्ट टू कैफे रत्ना, जस्ट 100 मीटर्स अवे, और यहाँ पे मैंने ऑर्डर कर लिए हैं प्रॉन्स 65, जस्ट लुक एट दीज, द फूड हियर इज वेरी रीजनेबल, एंड दीज आर प्रॉन्स विच आर क्रिस्पी फ्राइड, दिस इज फॉर 190 रुपीज, और ये मैं थोड़ी चटनी ले लेती हूँ यहाँ पे। प्रॉन्स आर नाइस, बहुत ही फ्रेश लग रहे हैं, आई जस्ट फील कि ये थोड़े ओवर फ्राई हो गए हैं, इट्स क्रिस्पी बट आप कलर ही देखिए, ये ना थोड़े से ओवर फ्राई हो गए, मतलब अगर थोड़ा कम फ्राई किए होते तो बहुत डिलिशियस लगते। थोड़ा चाट मसाला है, द चटनी इज़ गुड, द मिंट चटनी इज़ रियली गुड। होटल सीलैंड से निकलकर अभी हम ये पी रहे हैं जिगर ठंडा, ये एक बहुत ही पॉपुलर ड्रिंक है चेन्नई में, एंड ये आपको ना काफ़ी जगहों पर मिल जाएगी, तो मुझे आप में से बहुत लोगों ने सजेस्ट किया था कि अगर मैं चेन्नई आ रही हूँ तो मैं जिगर ठंडा तो पक्का ट्राई करूँ, तो मैंने मिनी ले लिया है ताकि वेस्ट नहीं हो, तो ये उन्होंने इसमें आइसक्रीम भी डाली है, लेट्स हैव दिस। एक्चुअली स्वीट, बादाम का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेस्ट है, थोड़ा थोड़ा केसर का भी टेस्ट आ रहा है इसमें, और थोड़ा सा ना सब्जा डाला हुआ है, एकदम थोड़ा सा, इट्स नाइस एक्चुअली। इसका जो नाम है ना जिगर ठंडा, ये आपके जिगर को एक्चुअली ठंडा कर देगा। आइसक्रीम जो है ना वो बहुत ही मेल्टिंग है, मतलब इट्स नॉट दैट कड़क। So for dinner, I went to this place called Fromage. This place is actually very popular in Chennai and it's also called as the cheesiest place in town. इसलिए भी क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे food items हैं जिसमें वो लोग cheese ढेर सारा डालते हैं. So I started off with some cheese stuffed chicken sausages. It was a starter. Chicken sausages को बहुत अच्छे से deep fry किया गया था और बीच में ढेर सारी cheese थी. It was so crispy, so delicious. Had that smoky flavor. Absolutely loved it. उसके बाद मैंने एक ऐसी चीज़ ट्राई की जिसके लिए ये प्लेस बहुत फेमस है, इट्स अ पार्मेसन व्हील स्पेगेटी। तो एक स्पेगेटी डिश होती है जो पूरी की पूरी, आई वोंट से पूरी की पूरी बट 80% एक
बोल में बनाई जाती है. इट्स नॉट अ बोल, इट्स अ व्हील, इट्स अ पार्मेसन व्हील जो 6 मंथ्स पुराना होता है एंड इट वेज अबाउट 40 kgs. अब वो लाइव कुकिंग आप देख सकते हो अपने सामने, उसमें स्पेगेटी बनती है और वो इतना चीजी होता है, इतना क्रीमी होता है. एब्सोल्यूटली लव्ड इट. आई मीन इफ यू आर अ पर्सन जिसे चीज पसंद है, दिस डिश इज गोइंग टू बी सो गुड फॉर यू. इट्स गोइंग टू बी लाइक अ पैराडाइज एंड ऑल दैट. विद दिस वी कम टू एन एंड टू चेन्नई फूड सीरीज. आई हैड सो मच फन एक्सप्लोरिंग चेन्नई. आप मुझे बताइए कि आपको वीडियोस कैसे लगे. ऑल्सो मेक श्योर यू वॉच्ड रेस्ट ऑफ द पार्ट्स. आई एम गोना लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. नाउ बिफोर लीविंग वी आर गोना डू अ क्विक कमेंट शाउट आउट ऑफ द डे. द फर्स्ट कमेंट इज बाय कमिंग सून, लाइक वेरी ओरिजिनल नेम. मस्त लगा वीडियो. माय फेवरेट इज द मुरुकु सैंडविच. लव लव. इफ यू गाइस डोंट नो व्हाट मुरुकु सैंडविच इज, प्लीज गो वॉच द वीडियो. आई एम गोना मेंशन इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. सेकंड कमेंट इज बाय स्मिता कुलकर्णी. Haven't had food in a month because of my operation. Every time I watch your videos, it makes my tummy full. Oh my god, get well soon, Smita. और आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको आज की सबसे बेस्ट डिश कौन सी लगी. I'm gonna see you next time. Till then, खाओ पियो खुश रहो. Bye.